हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र रावत में। आज संडे है और आज का जो नाश्ता है मैंने तैयार किया है। और नाश्ते में क्या बना है, चावल के पराठे बने हैं। तो दोस्तों, चावल के पराठे की पूरी रेसिपी देखनी है तो प्लीज वीडियो पूरा वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए आज बच्चों की फरमाइश पे हमने क्या बनाया है, तो चलते सीधे वीडियो की तरफ। चावल के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो आपके चावल बने हुए हैं वो चाहिएंगे। और चावल में और मसाला डालने के लिए हम इसमें थोड़ा सा लहसुन ले लेंगे, एक प्याज ले लेंगे, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और दो तीन हरी मिर्ची भी ले लेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अदरक है उसको छील के और उसको हम छोटे छोटे टुकड़े करके इस छोटे सा मामदस्ता है उसमें डाल देंगे। और इसको फिर क्या करेंगे, हम इसको कूट लेंगे। अदरक कूटने के बाद उसी में हम जो लहसुन है उसको भी इसी कुंडी में कूट लेंगे। देखिए जी दोस्तों, तो ये चावल पड़े इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च जो हमने काटी थी, और ये प्याज हमने जो काटे थे ये भी डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये लहसुन और अदरक को कूटा था ये भी डाल देंगे इसमें। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, ये गरम मसाला है, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हम कम ही खाते गरम मसाला, इसलिए थोड़ा बच्चों के स्वाद के लिए, बच्चों को अच्छा लग जाए इसलिए हम ये गरम मसाला डाल देंगे। और अब हम इसमें जो हरा धनिया अभी मैं खेत से काट के लाया हूँ थोड़ा सा ये भी काट देंगे, तो इससे जो टेस्ट और स्वाद अच्छा आएगा। तो ये देखिए, ये चीज आप ऐड, धनिया आप ऐड अपनी इच्छा से कर भी सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही कर सकते हैं वो नहीं है। पर जितनी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे उतना ही जो अपना जो चावल का पराठा है वो अच्छा और टेस्टी बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमने ये इसमें ऐड कर दिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मसाले को अच्छी तरह से हम ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसके पराठे जो हम आपको दिखाएंगे अभी। ये देखिए, तो ये मसाला बहुत अच्छी तरह से बन चुका है हमारा चावल का। ये भी जो चावल रात के बच गए थे हमारे, शाम को बनाए थे चावल, तो उसके हम आज आपको पराठे बना के दिखाएंगे कैसे बनते हैं। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं इसे और पराठे बना के खाएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं हम पराठे। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, आटे की लोई लेनी है और उसको इस प्रकार से चौड़ा करके इस प्रकार से इसको बदाना है। ये देखिए, इस प्रकार से कटोरी टाइप बनाना है, ये देखिए। और इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें डाल देंगे जो चावल का हमने मसाला बनाया था वो चम्मच की सहायता से हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, जितना मसाला डालेंगे ज़्यादा उतना ही पराठा बहुत अच्छा और टेस्टी बनेगा। तो देखिए, और फिर उसके बाद हमें एक कोने से इस तरह से फोल्ड करते हुए घुमाना है पूरे पराठे को। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए, और बाद में क्या करेंगे, जो ये लोई है इसको हम बंद कर देंगे यहाँ से ऊपर से। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने कर दिया है बंद। ये देखिए, ये देखिए लोई हो गई है बंद। अब हम इसको अच्छी तरह से मतलब बेल लेंगे पराठे को, तो ये गोल ही पराठा बनेगा, गोल ही बनाते हैं जो चावल का पराठा या आलू का पराठा जो बनाते हैं गोल ही बनाते हैं दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चकले पे
कर लेंगे। उससे पहले ही इसको हम हाथ से थोड़ा ऐसे घुमा लेंगे जिससे कि जो मसाला है चारों तरफ इस पे आ जाए। तो ये देखिए, तो दोस्तों ये वही रूम है जहाँ मैं रोज़ लाइव जाता हूँ। तो ये हमारा मतलब रसोई भी है और रूम ही है एक बड़ा, जिसमें हमने गैस वगैरह रख रखे हैं। तो देखिए अभी हम बना रहे हैं पराठे अच्छी तरह से आपके लिए। ये देखिए, आज जो संडे है तो सुबह पराठे बनाने का निर्णय मैंने किया था कि मैं बनाता हूँ आज पराठा, इसलिए देखिए अभी हमने बना लिए हैं चावल के पराठे और अभी हम नाश्ता करेंगे सभी लोग। ये देखिए पराठे पड़े हैं और दूध ये मैंने कर लिया है, ये बकरी का दूध है। और अब हम नाश्ता करेंगे, दिखाते हैं आपको। अजी दोस्तों, तो देखिए आज बच्चों की फरमाइश से हमने बनाए थे अपने चावल के पराठे। तो देखिए अभी नवीन और नितिन टेस्ट करके बताएंगे कैसे बने हैं। तो नवीन नितिन चेक करके बताओ कैसे बने बेटा। बहुत अच्छे। और देखिए मम्मी भी कह रही, मम्मी कैसे बने? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बने हैं। चलिए और अब नितिन और नवीन चेक करके बताएंगे कैसे बने। बहुत अच्छे बने हैं, अच्छे हैं। तो देखिए ये है दूध और अभी हम मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ एक बार कैसे बने हैं। बहुत अच्छा बना सच में, बहुत टेस्टी बना है। और ये लीजिए, आप सब भी खा लीजिए। ये लीजिए, आप सबको भी नवीन खिला रहा है, आप सब भी खा लीजिए। अभी हम कर लेते नाश्ता और मिलते थोड़ी देर बाद वापस। हाँ जी दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। राम राम सा खमा गणी।